माय डियर स्टूडेंट्स, ये करंट चैप्टर का एंडिंग के टॉपिक्स में आता है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले अपन इसको ये समझ लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चों, ये एक सेटअप होता है पूरी तरीके से, है ना। किसे अपन बोलेंगे पोटेंशियोमीटर की जो बेंच होती है, हाउ इट विल बी वर्किंग। आप जब लैब में जाओगे ना बच्चों, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, एक वुडन की ऐसी बेंच दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है, है ना। थोड़ा इसका डायग्राम में समझा दूंगा, देन वी विल कम बैक टू द प्रीवियस टॉप प्रीवियस पेज ऑल्सो। ये मान लो वुडन की बेंच है, इसके दो एंड पे ना, दोनों एंड पे बड़े बड़े से स्क्रू कनेक्टेड होंगे। जैसे मान लो ये एक स्क्रू हो गया, ये एक स्क्रू हो गया। एक का नाम बच्चों ए रख देना और एक को आप लोग बी बुलाना, ठीक है। हो सकता है कि ये और एक थिक वायर, है ना, कॉन्स्टेनन का थिक वायर बच्चों, और एक स्केल के साथ, है ना। देयर इज वन मोर स्केल जो टॉप पे ऐसे कैलिब्रेटेड होती है। ये रही बच्चों आपकी स्केल, जिससे अपन डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। तो ये जो स्केल है आपकी, है ना, ये जो स्केल आपको दिख रही होगी बच्चों, उस स्केल के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो द स्केल समवट लुक्स लाइक, यहाँ पे हो जाएगा इसका जीरो और दूसरी तरफ बच्चों ऐसे 100 होता है, और यहां से भी जीरो लिखा होता है और इस पे भी 100 लिखा होता है। एक वायर होगा आपके पास, है ना। जस्ट पे अटेंशन, कितनी आसानी से अपन समझ रहे हैं। ये ए पे शुरू होगा, राइट साइड जा रहा होगा ये, देन अगेन इस तरह से बच्चों कई बार ये क्या कर रहा होगा, अपने आप को फोल्ड कर रहा होगा इस तरह से। 100 हो गया, 200 सेंटीमीटर हो गया, देन 300 हो गया। देखो इस तरह से विजिबल है प्रॉपरली ना सबको, और ये हो गया 400। जब लैब वगैरह में जाओगे तो ये हो सकता है कि 6 टाइम्स बेंड किया हो, 8 टाइम्स किया हो, 1000 10 टाइम भी करा हो, 1200 भी होता है, मतलब 12 टाइम बेंड करा होता है। आप लैब में पढ़ोगे तो आपको चार बार समझ में आ जाएगा। तो ए और बी, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर की बेंच, पोटेंशियोमीटर का बेंच, ठीक है। कुछ एक वायर है, जिस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा बच्चों, टोटल लेंथ होती है और उसकी रेजिस्टिविटी वगैरह होती है, यहां से करंट को चलाना होता है। सो दिस इज योर पोटेंशियोमीटर बेंच। इसका क्या काम है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों वोल्टमीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी बातें पर यहां मेंशन करते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं इसको डायग्राम वाइज। पहले तो देख रहे हो ये प्राइमरी सर्किट में एक वुडन का लॉग लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो दिख रहा है बच्चों। एक एंड ए को इन्होंने क्या करा है, प्लस बोल दिया है, और एक एंड को बी को माइनस बोल दिया है। तो प्लस वाले को बैटरी पे लेकर आए, बैटरी के प्लस से कनेक्ट करा है, ये नेगेटिव करा है, यहाँ पर इसको की से कनेक्ट करा है, और रियोस्टेट से होता हुआ मैंने उसको नेगेटिव पे डाल दिया। इसका मतलब पता है क्या है, जो वायर होगा ना अंदर, उस वायर के ऊपर बच्चों करंट दौड़ने लगता है, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, इसके पास रेजिस्टेंस भी होगा और लेंथ भी होगा वायर के पास। तो आप ये ध्यान रखो कि हमको सबसे पहला काम करना होता है, एक ड्राइवर बैटरी का इस्तेमाल करना होता है, जो सबसे बड़ी बैटरी होती है, ड्राइवर सेल बोलो या बैटरी बोलो, उससे एक करंट ट्रेवल करना चाहिए वायर के अंदर, तब ये काम करना शुरू करता है। ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक सर्किट है। और राइट साइड में कुछ वही बना रखा है मैंने, ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, ऊपर वाले को अपन रियोस्टेट कहते हैं। ये की तरह दिखाई देगा, जो व्हाइट कलर के डब्बे दिख रहे हैं बच्चों वो सेल है। तो ये हो जाएगा सेल वन और ये हो जाएगा सेल टू, प्राइमरी सेल्स कहते हैं। ये आपके पास बच्चों बैटरी है, जो ड्राइवर बैटरी काम करेगा। एक मान लो वोल्ट मीटर लगाया मैंने, एक और की का काम कर जाता है। ये बच्चों रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है, कैसे काम करेगा बतला दूंगा मैं अभी आपको। और ये बच्चों ऊपर आपके पास एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इतना सारा सामान चाहिए होता है अपन को पोटेंशियोमीटर क्लास में जाने के पहले। पोटेंशियोमीटर काम क्या करता है, तो बच्चों लिखता हूं मैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब कहने का है जो वी होगा ना बच्चों, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। जितना ज्यादा लेंथ आप मेजर करोगे उतना ज्यादा उसके पास वी आएगा। नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हो वी बराबर एक स्मॉल के लिखना, और ये एल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये एल क्या है,
तो यहां मैं लिख देता हूं, एल को बोलते हैं बच्चे लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पढ़ाने जा रहा हूं। एल हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है टर्म, और ये वी जो अपन को फाइंड करना है। चलो उसको अपन समझते हैं कि ये पूछ कह रहा है ना, वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों, ये बेंच है हमारे पास, मेजरमेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहला डाउट दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर हमारे पास जब ऑलरेडी वोल्ट मीटर था, बच्चों हमारे पास ऑलरेडी जब वोल्ट मीटर था तो आप लोग क्यों लेकर आए पोटेंशियल मीटर को, ठीक है। तो जब पहला जो अपन चीज समझ सकते हैं वो ये है कि ऑलरेडी सर के पास जब वोल्ट मीटर है तो क्यों पढ़वाया जा रहा है अपन को पोटेंशियल मीटर, है ना। देखो सबसे पहली बात, ये लेस एक्यूरेट होता है, और पोटेंशियल मीटर की एक्यूरेसी को अपन बढ़ा सकते हैं, तो ये फार मोर एक्यूरेट होगा बच्चों, है ना, फार मोर एक्यूरेट होगा, ये फार मोर एक्यूरेट, ये फार मोर एक्यूरेट है। दूसरा बच्चों, आप लोगों ने नोटिस करा होगा अपन जब जूनियर क्लासेस में थे तो किसी रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस के पास पहले करंट का निकलना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वोल्ट मीटर इसके दोनों एंड पे लगाया जाएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर देगा। तो मतलब क्या है, इट ओनली मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पे अटेंशन, इट ओनली मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, बस इसकी कहानी खत्म बच्चों, इतना ही कर सकता है ये। एक तो एक्यूरेसी कम है, दूसरा एवरीबॉडी टेल मी पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा ये दो टर्मिनल का, और ये भाई साहब पोटेंशियल मीटर ये कई सारे काम कर सकता है बच्चों, कई सारे, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल कर देगा आपको, ठीक है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तक निकाल के देगा आपको, इससे अपन ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। और अगर मैं ट्वेल्थ क्लास से एक सिंगल क्वेश्चन में पूछूं बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, किसी को याद भी है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ इज द, बोलो 12th के बच्चों डेफिनेशन बोलो, ईएमएफ इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नो करंट इज पासिंग, मतलब जब इलेक्ट्रिकल की शॉप पे कोई सेल पैकेट में रखा है तो उसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही ईएमएफ कहलाता है। तो इसमें प्राइमरी कंडीशन क्या है कि करंट नहीं होना चाहिए, और वोल्ट मीटर चलने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है बच्चों, करंट चलना चाहिए। तो अब बात समझ में आई कि वोल्ट मीटर का लिमिटेशन क्या है, कि वोल्ट मीटर से अपन, बोलो वोल्ट मीटर कैन नॉट, ये वाई वाई में परेशान करते हैं आपके एक्सटर्नल्स, वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस, और वहीं पर ये आगे निकल जाता है, निकाल के दे देता है। अब बात समझ में आ रही है क्यों पढ़वाया जा रहा है आप लोगों को, एक तो एक्यूरेसी कम है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर करंट ट्रेवल कर रहा होगा, और वहीं ये तीन तीन काम में आ रहा है बच्चों, ईएमएफ निकाल के दे रहा है आपको, आपको स्मॉल आर निकाल के दे रहा है, जो इसके सपने भी नहीं देख सकता ये। तो वोल्ट मीटर इज ओनली यूज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात याद रखो बच्चों। और पोटेंशियल मीटर से अपन क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, आप स्मॉल आर निकाल सकते हो, आप ई निकाल सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट है ट्वेल्थ के बच्चों के लैब में, इन तीनों का ढंग से लिखवाता हूँ, फिर अपन समझाना शुरू करते हैं कि कैसे काम करेगा सर्किट इसका। यहां तक का ये डिफरेंस समझ में आया बच्चों? ये बेंच को देखो, बेंच के ऊपर एक वायर लगा होगा कॉन्स्टेंटन का, इस पर से अभी करंट दौड़ेगा, कॉन्स्टेंटन नाम होता है उसका, है ना, थिक वायर होगा, समझ लो एक थिक वायर यूनिफॉर्म लगा दिया है, अभी चार बार टर्न कर रहा है तो समझ लो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा,
लैब बहुत पुरानी है हमारे स्कूल की, तो 800 1000 तक भी जाता है, और नए वाले लैब में 600 800 में खत्म हो जाता है। एक को प्लस मानते हैं, एक को माइनस मानते हैं, ऊपर बच्चों स्केल लगी होती है जस्ट टू टेक द रीडिंग्स कि नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं अपन। मान लो किसी इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो कॉमन सेंस तो होता ही है हमारे पास, इस यहाँ से यहाँ तक का सीधे 100 काउंट होगा बच्चों, और फिर यहीं से उल्टा काउंट करना है। ऐसा नहीं कि 100 गिन रहे हैं फिर 200 300, ऐसा काम नहीं करना है ना, बिल्कुल है ना। 100 यहाँ से काउंट होगा, फिर वहीं से टर्निंग शुरू होगी, तो मान लो 10 20 30, और आंसर मान लो अपना आ रहा है 130 के अप्रॉक्स। तो ऐसे करते करते 190 200 यहाँ पर आएगा, फिर 300 करते करते यहाँ तक आएगा। ऐसे पढ़ना होता है बच्चों, नल पॉइंट मेजर करना, ध्यान से देखो। लैब में जाओगे तो हर एक जो बात बोल रहा हूँ वो याद आएगी कि सर ने इस तरह बता रखा है अपन को। मैंने आपको समझा दिया है कि वोल्ट मीटर क्यों अपन ने इस्तेमाल नहीं, क्यों क्यों इसका लिमिटेशन है, और क्यों पोटेंशियोमीटर आगे निकल जाता है बच्चों। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले तो समझाने के पहले बच्चों को ग्रेडियंट वर्ड सिखाना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेडियंट मींस, क्योंकि ले दे के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखो अंदर के आ रहा है, के का मतलब क्या होता है, इट इज, बोलो, अरे बोलो भाई, केस पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। तो चलो आगे देखते हैं अपन। तो बच्चों डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने के पहले ना आप लोगों को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या है। तो चलो पहले ये समझाता हूँ कि ग्रेडियंट कैसे समझना है अपन को, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हेडिंग में है मेरे पास, पोटेंशियोमीटर के अंदर ही पढ़नी है हेडिंग, ये इसको बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेडियंट। जब कभी कोई क्वांटिटी ना बच्चों लेंथ पे चेंज करने लग जाए तो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। तो इट इज डिफाइंड एज, बोलो बच्चों, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो छोटा वाला के का मतलब होता है वी बाय एल, ध्यान रखना मैंने बड़ा वाला वी वर्ड यूज करा है, और एल अपने आपके समझने के लिए ए और बी लिख लेते हैं। काम कैसे करना है, मान लो हमारे पास ये लेबोरेटरी में जो मिलने वाला है ना अपन को पोटेंशियोमीटर का बेंच बच्चों, ये वही है। तो मान लो इसको मैंने कलर से ऐसा फिल कर दिया, ठीक है। अब हर बच्चा जानता है कि ये सर ये 400 लेंथ का बनाने वाले हैं, एक का नाम बच्चों बी होता है और एक का नाम बच्चों ए होता है, इतना तो क्लियर होगा सबको। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दैट मैंने यहाँ पर बच्चों 100, ये देखो ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी, देन 200, ऐसा आपको फोल्डेड मिलेंगे वायर्स, है ना। इतना ही क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको लैब में मतलब देखकर समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है बच्चों यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, इट इज दैट इजी। अब मुझे बताओ क्या ए टू बी कोई वायर नहीं दिख रही है आप लोगों को, तो बोलोगे सर दिख रही है, इसके पास खुद का लेंथ होगा। अभी जानबूझ के मैंने कितना बनाया है, 400 सेंटीमीटर, 4 बार फोल्ड कराया उसको, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो बोलोगे यस सर होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट का ना फेवर करते हैं हम, इसको ऑटोमेटिकली प्लस बना देंगे और माइनस बोल देंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको ना ड्राइवर बैटरी से कनेक्ट करना होगा, एक एमीटर लगाया जाएगा अपने अपनी समझदारी के लिए, एक की लगाया जाएगा बच्चों, एक रियोस्टेट लगाया जाएगा, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपके पास ड्राइवर सेल, जो सबसे बड़ी बैटरी होती है जो काम में आती है, इस ब्लैक वाले डैश करके जो वायर है ना बच्चों उस पर करंट देने काम में आती है। एक एक वर्ड समझो आप लोग यहाँ पे, इससे करंट निकल के अब जा रहा होगा। अब बात समझ में आई, दिस शुड बी कॉल्ड एज की, ये कौन हो जाएगा हमारा एमीटर। 10th क्लास में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके बच्चों, ये ओम्स लॉ का ही तो सर्किट है लेफ्ट साइड वाला, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, समझ में आया, सारा खेल तो राइट साइड में है। अब हम इसी प्लस से क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, एंड दिस होल थिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी इन क्लास 12 सिलेबस। ये अपने आप में एक एक्टिविटी है, और उसके एक एंड को ले जा करके बच्चों अपने जॉकी से कनेक्ट करके, जॉकी मतलब एक पेन की तरह होगा बच्चों स्लाइडर, आगे उसके मेटल लगा रहेगा, और जैसे जैसे आप जॉकी से इसको स्लाइड करते हुए मान लो 70 पे लाए, 80 पे लाए, 120 पे लाए, तो आप चेक करोगे कि आपका जो वोल्ट मीटर बेचारा है वो वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेज आ रही है वो बढ़ती जा रही है बच्चों,
जो वोल्टेज आ रही है, मान लो लेंथ कम होगी तो इतने कम पे आएगा, लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी तो वो और बढ़ जाएगा, और थोड़ी बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा, और थोड़ी बढ़ी तो और बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम मान लो ए टू बी का जो पोटेंशियल है, मान लो 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जब आप स्लाइड करते करते एंड पे लाओगे तो ये मैक्सिमम बढ़ चुका होगा। तो इसका साफ मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बोलो। जो आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी का ग्राफ भी बनता है, एक बहुत बहुत इजी और बहुत सिंपल सा ग्राफ बनता है। ये एक्टिविटी की बातें चल रही हैं सब। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बच्चों आपका वाई एक्सिस। एक तरफ आप वी बोल देते हैं, एक तरफ आप लोग एल बोल देते हैं। तो जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता है ना बच्चे लोग, मान लो कोई लेंथ L1 आई, लेंथ L2 आई, लेंथ L3 आई, लेंथ L4 आई, वैसे वैसे आप लोगों का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अभी अपन लैब में नहीं है तो एग्जैक्ट मैं आपको नंबर नहीं बता रहा हूँ, बस उसका बिहेवियर बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ शो करेगा। यू विल सी दैट अ ग्राफ और अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ यू आर गेटिंग विच सिग्निफाइज दैट कि इसका जो ग्रेडियंट होगा, इसका स्लोप कितना होगा। 12th PCM के बच्चों स्लोप होता है वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस होता है ना, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब कांस्टेंट होगा, तो इसका स्लोप ही होता है बच्चों। बोलो व्हाट इज द स्लोप, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो छोटा वाला के कितना हो गया, वी बाय एल का टर्म हो गया ना। तो स्मॉल वाले के को प्रैक्टिकल से अपन वी बाय एल कर रहे हैं, और थेरेटिकली ये होता है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय पूरा लेंथ। आप मेन एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, इट्स अ कांस्टेंट। किसी एक बेंच के लिए वो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, इट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये एक नंबर होगा बच्चों, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों। तो बोलोगे सर वोल्ट पर मीटर। मान लो मैं शॉप पे जाता हूँ किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे और बोलता हूँ भैया मुझे 2 मीटर वायर दे दो, तो बोलेगा ना भैया 1 मीटर 10 रुपए का है, या 8 रुपए का है, या 12 रुपीज का है। तो वैसे ही अपन को एग्जाम में ना ऐसे वैल्यूज गिवन रहेंगी कि पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है ना, ये वैल्यूज पढ़ के आपको समझना चाहिए। पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है इस मान लो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसा आ रहा है, ये मान लो ऐसा एग्जाम्पल देगा। इसका मतलब बताओ मुझे इंग्लिश वाले बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये, कि हर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, अरे 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब हर 1 सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट बचता है बच्चों। तो मान लो अगर आपका नल पॉइंट आ रहा है 130 सेंटीमीटर पे, तो यहां से लेकर यहां तक कितना ड्रॉप हुआ होगा पोटेंशियल का, जरा सोच के बोलो। इमेजिन कर लो ना भाई, 1 सेंटीमीटर पे 0.1 वोल्ट आता है तो 130 सेंटीमीटर में कितना आएगा, इतने ही तो करना। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है बस 130 को 0.1 से। तो वही तो मैं आपसे इतनी देर से बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ए और बी तो फिक्स वैल्यूज हो जाएंगे। अब अगर आपको ए से लेके सी पॉइंट तक का पोटेंशियल देखना हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कैलकुलेशन देख लो, ताकि आप लोग आगे हल्ला ना करो। 12th के बच्चों ध्यान से देखो, ए और बी का तो फिक्स पोटेंशियल हो जाएगा है ना, वी ए बी। तो अपन ऐसा पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शुड बी इक्वल टू के टाइम्स, जो आपकी लेंथ आ रही है बच्चों, जितनी भी लेंथ यहां से यहां तक की आ रही है ना, जो ब्लू से जो मैंने बनाया है उसको अपन स्केल पर रख के मतलब मेजर कर लेते हैं। तो मान लो के इंटू एल, और के क्या होता है अपने आप में, बड़ा वाला वी बाय बड़ा वाला एल इंटू एल। तो लेंथ लेंथ से कट जाता है, मीटर मीटर कट जाता है, और एट लास्ट आपको वोल्टेज मिल जाता है। इसलिए ये इतना इजी टॉपिक कहलाता है बच्चों। के का मतलब होता है वी बाय एल इंटू एल। तो आप दुनिया में कोई पोटेंशियल निकाल सकते हो अगर आपको ग्रेडियंट पता है उस बेंच का। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, लैब में जाते ही दिख जाएगा आपको। 400 सेंटीमीटर की वायर होगी, या तो 800 की होगी, या तो 1000 की होगी, और ए और बी का डिफरेंस आपको मालूम रहेगा। तो के अपन को तो ऑलरेडी पता होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आपको इतने से फॉर्मूले से काम चल जाता है कि प्लेन भाषा में बात करें अपन, ए और सी के बीच का अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखना है तो ऐसा लिखते हैं वी ए सी बराबर, एक कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, और वहां तक की क्या नल पॉइंट की लेंथ आ रही है वो लिख देते हैं बच्चों। बस इतना सा काम है अपना, और कुछ नहीं करना अपन को। कोई प्रॉब्लम, ये जो वोल्ट मीटर अपन को दे रहा होगा आंसर,
ये क्या दे रहा होगा, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है तो ऑलरेडी ये दे रहा होगा बच्चों, लेंथ आपको मिल ही जाएगी, समझे आप बात को। तो ये वी आ रहा है आपका वाई एक्सिस पे, एल आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, तो आपका स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। यकीन नहीं आ रहा तो किसी भी इसका स्लोप चाहो तो मेजर कर लो, एक्स एक्सिस पर डेल्टा एल रहेगा, वाई एक्सिस पर डेल्टा वी रहेगा, तो भी वही चीज मिलने वाली है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इतना आया समझ में? अब बात करते हैं हमें क्या काम करेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ, बोलो, पोटेंशियोमीटर। सबसे इजी एप्लीकेशन इसका होता है बच्चों टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल्स। मतलब आप लोगों को बच्चों E1 डिवाइड बाय E2 आएगा वो कितना बताना है, ये क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट भी है तो इसको उतना ही मन लगा के पढ़ना। सेकेंड आ जाएगा टू फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल। अगर E1 E2 में एक की वैल्यू नोन होगी तो अपने आप बच्चों E1 कितना है वो निकल आएगा। थर्ड होता है जो हर साल बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा रेगुलरली आता है, जो और कोई नहीं कर सकता आपके क्लास में, ये वो आदमी, ये इसका स्पेशल काम है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। इन सबको लेकर आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मेजरमेंट करता है आपका पोटेंशियोमीटर कैसे करता है, तो बच्चों पोटेंशियल मेजर करता है ये, तो जनरली वो ए से लेके कोई सी पॉइंट तक का होता है, उसको बोलते हैं बच्चों के टाइम्स, वहां पे जो लेंथ आ रही है, ठीक है, के एल कर देते हैं या के एल वन बोल सकते हो, ये समझ लो ग्रेडियंट से लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ये कहां से आ रहा है बच्चों, वी प्रोपोर्शनल टू एल, ये इसका प्रिंसिपल है। चलो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं एंड विथ ए डिटेल डायग्राम। सो बच्चे लोग इसका पहला एप्लीकेशन है प्राइमरी सेल के जो ईएमएफ है उनको कंपेयर करना है। आप लैब में जाते हो ना तो बच्चों आपको दो तरह के सेल पढ़वाए जाते हैं, एक सेल वन होगा जिसका नाम होगा लेक्लांशे सेल, लेक्लांशे, और दूसरा एक सेल होगा जिसका नाम होगा डैनियल सेल। ये दो सेल ऐसे हैं जिनको प्राइमरी सेल बुलाया जाएगा और इनको अपन लैब में तैयार करते हैं। हम बस यहाँ पे इसको ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे कि पहले वाले सेल का जो ईएमएफ होगा वो E1 काउंट होगा, दूसरे वाले का जो ईएमएफ होगा बच्चों वो E2 काउंट होगा। इन दोनों का बनाया अलग अलग तरीके से जाता है, वो बात में एक दिन डिस्कस कर दूंगा। अभी समझ लो कि दो सेल सर लैब में बना के लाए हैं। जो आज की क्लास शुरू करने के पहले डायग्राम लाए थे ना बच्चों अपन लोग, ये वाला डायग्राम देखो, ये तो ये जो दो डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये लैब में तैयार किए हुए डब्बे हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी सेल। जो जो खुद बनाते हैं अपन वो प्राइमरी सेल कहलाता है। इन दोनों का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इतना सारा सामान लगता है, फोकस करिए कि सर के पास दो सेल हैं अननोन ईएमएफ की, उनको कंपेयर करना है बस। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो रहती है लैब में जाते बनाई जाती है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू जस्ट स्टार्ट योर बेंच। तो ये रही तुम्हारी बेंच, जिस बेंच को मैं लेट से कलर कलर कर देते हैं इसको अपन लोग, ये रहा बच्चों मानो, है ना, वुडन के कलर की, मान लो ये आपकी बेंच हो गई। इस बेंच के ऊपर बच्चों सबसे पहला काम होता है कुछ वायर लगे होते हैं, तो ये 100 वाला वायर हो गया बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा 200 वाला, देखो समझ में आ रहा है क्या, है ना। इट माइट बी 8 टर्न्स, इट माइट बी 10 टर्न्स, डिपेंडिंग अपॉन योर लक। ठीक है, तो एक एंड पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए बना दिया बच्चों, और दूसरे एंड पर बी बना दिया। बिफोर डूइंग एनीथिंग एनी प्रोजेक्ट वर्क, आप समझो कि आपको ए और बी वायर में करंट को दौड़ाना है, तभी तो प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो करंट दौड़ाने के लिए 10th क्लास में जाना पड़ेगा, और आपको एक बैटरी, जो ड्राइवर सेल होता है ना, इसको कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। तो ड्राइवर सेल मतलब बड़ी बैटरी होती है एक, इसका डायग्राम में कोई लेन देन नहीं है, बस करंट दे दिया काम खत्म। मैंने लगाया एक एमीटर, ठीक है बच्चों,
मैंने लगाया बच्चों एक की, और तामझाम के लिए मैंने यहाँ पे एक रियोस्टेट भी कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट इसलिए लगाते हैं कि जब कभी अपन को ऐसा फील हो कि करंट बहुत ज्यादा ही आ गया है और डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, बहुत सारे नाम है। हमारे लिए क्या करेगा, ये वेरिएबल रजिस्टर होगा जो करंट को रेगुलेट करेगा। ये सर्किट तैयार हो गया अपना, इतना क्लियर हुआ। अब इस सर्किट को देखने के बाद समझ जाओगे कि जो प्लस है वो इस प्लस पे जा रहा है बच्चों, और जो माइनस है वो इस माइनस पे जा रहा है। यू विल केम अक्रॉस सो मेनी डायग्राम्स इन योर होल करिकुलम, या नई नई बुक्स पढ़ोगे तो कोई बी वाले पॉइंट से पढ़वाता है, कोई ए से पढ़वाता है। बच्चों ए वाले से पढ़ना ज्यादा ईजी होता है, ए वाले पॉइंट से आप दो नए वायर निकालोगे, ऐसे करके निकाले बच्चों वायर, और एक बार अपन अपनी एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। इवन मान लो लैग्रांज सेल लगा ली, और एक तरफ बच्चों मैंने कौन सी सेल लगा ली, दूसरी वाली सेल लगा ली, इतना क्लियर है। सेल होगा तो उसके बगल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, और ये सब के सब सेल एक डब्बे में पैक होके आते हैं, तो ये मैंने इसको पैक कर दिया। कोई परेशानी वाली बात तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। ये दोनों के दोनों सेल बच्चों एक ऐसे की के पास जाके कनेक्ट होते हैं, जिस की का काम होता है कि दो जगह से इनपुट लेना है बच्चों, दो जगह से इनपुट लेना है, और इनके सेंटर पे एक नॉब होता है, वहां से बच्चों गैल्वेनोमीटर से होते हुए ये क्या करते हैं, नल पॉइंट ढूंढने के जाते हैं। इस तरह के की को बोला जाता है टू वे की। क्या कहते हैं, टू वे की। तो देखो जो बैटरी आपकी E1 दिख रही है ना, और जो बैटरी आपकी बच्चों E2 दिख रही है, तो अगर E1 को एक्टिवेट करना है तो E1 और सेंटर वाले पॉइंट के बीच में एक की का नंबर पिक कर देंगे, ये क्लोज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और अगर E2 को ऑन करना है तो वहां से निकाल करके उसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये एट अ टाइम कोई एक ही चालू हो सकता है। तो टू वे का मतलब होता है दो वे में से कोई एक वे ऑन होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ना बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द एक्सपेरिमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी का EMF कब आता है ना। तो ये जो आपके E1 बैटरी है, मान लो कोई नॉर्मल डायग्राम बनाऊं, मुझे आज पढ़वा चुका हूँ ऑलरेडी, ये रहा आपका बैटरी, ये रहा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये उसका आउटर कवरिंग है ना, जो पैकेट डब्बा जो भी होता है, और इसके दो एंड्स होते हैं बच्चों, एक ए और एक बी। इतना तो क्लियर होगा। अंदर कौन होता है, EMF, और कौन होता है, आर। अरे हाँ ना बोल दो भाई कोई बच्चा। ई और आर, यहां तक का क्लियर है? मुझे बतलाइए EMF की डेफिनेशन क्या होती है, EMF E क्या होता है? तो बोलोगे सर EMF होता है इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या ना, जब कोई करंट अंदर से पास नहीं हो रहा हो, तो करंट नहीं पास होने का टेक्निक तो पता है अपन को, इस बेचारे गैल्वेनोमीटर को जाकर बोलते हैं भाई तू नल पॉइंट पे रहना, अपने वादे से मत मुकरना। तो ये नल पॉइंट पे लाते हैं अपन इसको, हम इसको बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट करने के लिए नल पॉइंट पे ऐसे लेकर आते हैं। कैसे लाओगे बच्चों, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। जो बड़ी बैटरी है उसका EMF हमेशा ज्यादा होता है, मतलब समझ लो ये प्रोवाइडर है घर का, और ये छोटा सा एक बैटरी जिसको आपको चेक करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने बैटरी E1 ऑन करके रखी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन फॉर सेल E1। अगर अपन E1 सेल को पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला की ऑन होगा, गैल्वेनोमीटर से जो वायर जाएगा आपके जॉकी से होता हुआ, लेट मी चेंज द पेन कलर, है ना बच्चों, ये जो वायर जाएगा आपके जॉकी से होता हुआ वो एक ऐसी जगह आएगी जहां पर बेचारा बोल देगा सर जी लॉटरी लग गई अपनी, मतलब यहाँ पे जो लेंथ आ रही होगी उसकी L1, इस जगह पे नल पॉइंट आ गया है ना। नल पॉइंट का मतलब है बच्चों देखो, जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके वायर को आप कहीं पर भी ऐसा टच कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मान लो स्टार्टिंग पे टच करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना वो कहीं दूसरी जगह भाग रहा होगा, एंडिंग पे टच करोगे तो कहीं और भाग रहा होगा, बहुत लाइकली है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो बीच में कहीं अपन बच्चे को अपने कॉन्शियसनेस से, अपने इंटेलिजेंस से वो नल पॉइंट ढूंढना होता है, ढूंढने में 1-2 मिनट लग जाते हैं कहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो अभी तक तो मैं खैर आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वो सी पॉइंट पे बना दिया है, मान लो बच्चों यहाँ बना दिया है मैंने, तो जिस जगह पे भी आ रहा होता है ना, तो तुरंत बच्चों अपन ऊपर जो स्केल रखी होती है ना, उस स्केल की हेल्प से अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग वहीं के वहीं हीरो बन जाएंगे और उसका पूरा मेजरमेंट कर लेंगे। मान लो जो ब्लू वाली स्केल है
उस स्केल पे दिख जाएगा आपको कि 100 सेंटीमीटर कवर हुआ है और ऊपर से 20-25 सेंटीमीटर कवर हुआ है, तो आपको L1 मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, L1 आ गया, L1 पे कौन आ गया बच्चों, तो बोलोगे सर जी नल पॉइंट आ गया। कोई परेशानी यहां तक? नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? नल पॉइंट का मतलब होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। बच्चों उल्टा चलो आप, अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, पूरे बैटरी के दोनों टर्मिनल से नीचे साइड से करंट तो होगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? ये देखो नीचे वाली सर्किट में है ना, तो मैं लिखता हूं एट नल पॉइंट, पे अटेंशन टू द सेंटेंस, एट नल पॉइंट दैट इज आईजी इक्वल्स टू जीरो, नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी सेल्स। किस किस को आई लाइन समझ में, कि नीचे की लाइन में करंट ही नहीं है? जब डिफ्लेट कर रहा होगा तब करंट जा रहा होगा ना, वो तब होगा जब जानबूझ के आप इस नल पॉइंट के पॉइंटर को स्टार्टिंग पे टच करोगे या एंडिंग पे टच करोगे तब ऐसा होगा, मिड पॉइंट के आसपास कहीं टच करोगे तो वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करेगा बच्चों। यही आपका लॉजिक है। इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या है, सुनना आप। ए पॉइंट पे लगा है बैटरी का एक टर्मिनल, देखो ये पूरी बैटरी का एक टर्मिनल कहाँ लगा हुआ है, ए पॉइंट पे लगा है, और दूसरा टर्मिनल कहाँ जा रहा है लड़ाई झगड़ा करता हुआ, सी पे जा रहा है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ई एम एफ के बराबर आ जाएगा 1 के, और ये हो जाएगा बच्चों आपका के टाइम्स L1 इक्वेशन नंबर 1। किस किस को आया आप में समझ में ये इतनी सी बात? जब कोई करंट जाएगा ही नहीं बच्चों, जब कोई करंट यहां से पास ही नहीं होगा, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के। और व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बच्चों के L1 कर देते हैं। L1 मतलब ये वो लेंथ है जिसपे वो नल पॉइंट ला रहा है। अब क्या करेंगे अपन, अपन दूसरी सेल को पढ़ेंगे। तो यहां लिखा है फॉर सेल E2, सेल चेंज करने का मतलब है यहां पे जो की है ना इसको यहां से निकाल करके दूसरे वाले में लगा देंगे बच्चों। अरे बात समझो, तो यहां से इसको निकाल करके दूसरे वाले में लगा देंगे तो मतलब नीचे वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब हर किस बात है कि ये E1 E2 अलग अलग बैटरी है, एक डेनियल सेल होती है एक लैक्लांशी होती है, तो अब आपका नल पॉइंट बच्चों कहीं और मिल रहा होगा। तो कहीं और का मतलब क्या है, हल्ला नहीं करना है आपको, फिर से स्लाइडर को स्लाइड करना है और जहां आ रहा है वहां पर ले जा करके उसको दूसरा नल पॉइंट चेक कर लेना है, और उस पॉइंट का नाम कुछ और रख देना है, डी रख देना है, वहां तक का लेंथ फिर से स्केल पर चेक कर लेना है, L2 हो जाएगा। तो जब सेल L2 करोगे तो ये हो जाएगा एट नल पॉइंट, है ना, 2-2 सेकेंड में आंसर आते हैं इसके। नल पॉइंट का मतलब है गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, पास नहीं होगा मतलब नीचे की सर्किट फ्री हो गई, फ्री हो गई तो आपका ये पुराना प्रिंसिपल बन जाएगा विच सेज दैट अगर बैटरी के दोनों एंड पर, 12th के बच्चों, अगर बैटरी के दोनों एंड पे करंट नहीं ट्रेवल करता है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अरे एटलीस्ट आंसर तो करो, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल, इतना तो क्लियर होगा ना। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आपका ए और डी में, ए और बच्चों डी में, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या एक ही बच्चों को मालूम है ईएमएफ की डेफिनेशन, कि जब बैटरी पर से कोई करंट नहीं जाता है तो उसके दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसका ईएमएफ बन जाता है, और ये हो जाएगा के टाइम्स L2। कंपेयर करना है, इतना हल्ला नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाय E2 हो जाएगा बच्चों KL1, और यहाँ आ जाएगा KL2। तो लैब में जाके केवल L1 L2 निकाल देने से अगर कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो सोचो कितनी मजे की बात है। मतलब कंपेरिजन करते हैं तो बस वैल्यू थोड़ा निकालते हैं, बस लिख देते हैं L1 और ये L2। कोई परेशानी बच्चों मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन योर लैब एंड वन ऑफ द टॉपिक एज फार एज पोटेंशियोमीटर इज कंसर्न्ड। द ओनली थिंग अ चाइल्ड मिसेस और मिस इंटरसेप्ट्स और कन्फ्यूज करता है बच्चा, वो ये बॉटम में कन्फ्यूज करता है कि नल पॉइंट का मतलब क्या है। तो नल पॉइंट का मतलब है यहाँ पे करंट जीरो है, करंट जीरो का मतलब है नीचे की पूरी ब्रांच अलग हो चुकी है, कनेक्टेड है लेकिन अलग हो चुकी है, विच मीन्स दैट वी
वी शुड गो बैक टू द प्रीवियस थ्योरी विच सेज दैट किसी भी सेल पे अगर करंट नहीं है तो दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस आया है वही क्या हो जाएगा? ईएमएफ. किस किस को आया ये समझ में? आया ना? इजी है, बड़ा बड़े साइंस समझ लो बच्चों चीजों को. E1 by E2 बराबर L1 by L2. अब इसी को, इसी का फायदा उठा के सर क्या करेंगे, सेकंड वाला एप्लीकेशन करा देंगे. क्या कहते हैं उसको? किसी एक को फाइंड करना, है ना. तो बस अगर अपन को एक आ गया है तो दूसरा भी आ जाएगा बच्चों, तो सेकंड वाला हो जाएगा. सेकंड वाला जनरली बुक्स में होता नहीं है, न्यूमेरिकल में आ चुका है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं. ये हो जाता है बच्चों टू फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल. तो एक पेज पहले क्या आया अपना, E1 भी अननोन था, E2 भी अननोन था, तो L1 भी आया, L2 भी आया. अब E1 E2 में से एक अननोन हो जाएगा और एक नोन हो जाएगा, तो हमको मजा आ जाएगा, काम हो गया हमारा. बाकी पूरा जो बेंच है बच्चों वो एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट वाला काम करना है, एज इट इज. यकीन मानिए सर का. ये हो गया आपका फिल कलर, ऊपर एक स्केल लिखी रहेगी इस तरह से, पे अटेंशन टू मी, है ना. इसको मैं कुछ और कलर कलर कर देता हूँ इधर से, है ना. लेट्स सी, स्केल हो गया तुम लोगों का, है ना, और हल्का कलर कर देते हैं इसको. अब ना हम क्या करेंगे, देखो ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं अब, है ना. अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई ए होगा, इस एंड पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, बी हो जाएगा. वापस से वही काम एज इट इज. आप कॉपी में हो सके तो दो बार डायग्राम भी मत बनाइएगा. ये हो गया 100, ये हो जाएगा 200, है ना. वो जो टर्न होता है ना वायर का, वो बहुत छोटा टर्न होता है, मेरे को यहाँ बड़ा टर्न लग रहा है ना. तो वहां पे ऐसा मत करना कि सर वो क्यों नहीं गिनते हो आप, है ना. ये होगा 400 वाला अपना काम. यहाँ तक क्लियर है? एक एंड पे प्लस बना, एक एंड पे मैंने क्या बनाया बच्चे लोग, प्लस लिखा, एक एंड पे माइनस लिखा. प्लस वाले से पहले तो मुझे करंट पास कराने के लिए उसको प्लस बताना पड़ेगा. तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ बैटरी लाइक दिस. दिख रहा है क्या? पे अटेंशन. बैटरी ला दी मैंने, ये ड्राइवर सेल कहते हैं, इसका कोई लेन देन नहीं है, बड़ी बैटरी होगी. एमीटर लगाया बच्चों, की लगाया, ये 10th क्लास का सर्किट है, इसमें इतना नहीं अपन को हल्ला करना होता. ये हो जाएगा रियोस्टेट, और यहाँ कनेक्ट कर दिया. जस्ट लोड की जगह पे एक वायर ला दिया है. अब क्या करेंगे बच्चों, एक बैटरी ऐसी लेकर आएंगे जिसके बारे में अपन को जानना है, मतलब ईएमएफ ऑफ अननोन, और वहीं से एक और बैटरी लेकर आएंगे जिसके बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी, उसको बोल देना आप नोन बैटरी है सर. ये आप बात समझे, एक बस अननोन था, यू लिखा है अननोन को मैंने, और एक को बोल दिया नोन. तो ये बेसिकली टॉपिक नया बनता भी नहीं है, ये तो मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ कि एक एमसीक्यू अगर आ गया तो क्या करना है. आएगा तो कंपेयर वाले ही पूछेगा आपसे. तो ये जाएगा अपना एक नॉब में, ये जाएगा दूसरे वाले में, सेंटर वाले से कौन निकलता है, गैल्वेनोमीटर. इतना समझ में आ गया? हाउ डज अ गैल्वेनोमीटर वर्क्स? तो बच्चों ऐसा एक बॉक्स जैसा होगा जिस पर एक निडल होगी जो इस तरह दिखाती है जब कोई करंट नहीं जाता. इतना क्लियर हुआ क्या? तो बच्चे लोग जब अपन को अपर वाली ब्रांच को एक्टिवेट करना होगा तो आप पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे एक निडल को लाके लगा दोगे तो ये वाला पाथ ना इससे कम्पीट हो जाएगा. बस ये कहानी है. और आप यहाँ पे इसका चुपचाप से ना कहीं पर भी इसका नल पॉइंट चेक कर लेना, क्या ही दिक्कत हो रही है, और किसी को क्या ही पता चलना है. ए लिखा है और सी लगा है और स्पेलवन कर लिया अपन ने, नहीं आया अब क्या? बस यहाँ इतना लिखना है अपन को फॉर सेल अननोन वाली सेल के बारे में, है ना. तो अननोन सेल का मतलब है भैया नल पॉइंट आ रहा है, मतलब आईजी का टर्म तो जीरो होगा. ये मैंने हजारों बार बता दिया है, आईजी जीरो मतलब नीचे पूरी ब्रांच पे करंट तो होगा ही नहीं दूर दूर तक. विच मीन्स दैट अगर आप पोटेंशियल ए से लेके सी तक का काउंट करोगे, मतलब ए और सी के बीच में स्टडी हो रही है ना, तो वो आ जाएगा आप लोगों का ईएमएफ ऑफ अननोन. ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ L1, दैट्स इट. ना थ्योरी लिखनी है ना कुछ लिखना है, बस अपना काम करते चलना है. ये हो जाएगा तुम्हारा नोन. नोन के पास जब लगाओगे आके इसको, तो बच्चों कहीं और आएगा आप लोगों का, हो सकता है ज्यादा पे आए, हो सकता है कम पे आए. ज्यादा पे आएगा तो उसका ईएमएफ ज्यादा है, कम पे आए उसका ईएमएफ कम है, क्योंकि दुनिया जानती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे बातें चल रही. ठीक है, इस पॉइंट का नाम डी रख देना. तो पोटेंशियल फ्रॉम ए टू डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ नोन बैटरी, ये बच्चा लोग के L2 हो जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. एक रेशो लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अननोन डिवाइड बाय नोन बराबर बोलो
एल वन बाय एल टू और मैंने यहाँ पे अननोन का ईएमएफ निकाल लिया है। ध्यान रखना इसमें नोन का ईएमएफ देना पड़ेगा वरना ये चीज पॉसिबल नहीं है। कोई परेशानी वाली बात यहां तक? रेप्लिका है बच्चों ये पिछले वाले टॉपिक का, अगर ये आ गया था ढंग से समझ में तो सब समझ में आएगा। नहीं आया समझ में? और सबसे बड़ी बात, एवरीबडी बिफोर अटेम्प्टिंग पोटेंशियल मीटर और एनी अदर एक्सपेरिमेंटल टॉपिक ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईएमएफ। बच्चों आपको ईएमएफ समझ में आना चाहिए, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी पैक करके रखी है दुकान के अंदर, ये समझ लो, इतनी लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द बैटरी या किसी एक्सटर्नल सर्किट में नहीं लगी होती, देखो यहाँ पे कनेक्टेड तो कर रखी है लेकिन अगर करंट नहीं है तो वर्चुअली वो डिसकनेक्टेड ही है। बात समझ रहे हो? यही एक जो डेफिनेशन है इसका एडवांटेज उठा रहे हैं अपन यहाँ पे, और जो वोल्ट मीटर नहीं करके दे सकता बिकॉज उसको काम करने के लिए करंट चाहिए ही चाहिए। ये सब वाइवा में अपन को परेशान करने के काम बातें हैं ये सब। क्यों नहीं यूज करा वोल्ट मीटर, इतना बड़ा इंसान क्यों लेकर आया, उसको क्यों पढ़ना है अपन? तो बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं, एडवांटेजेस हैं। जितनी ज्यादा यहाँ पे लेंथ बनेगी ना उतना अच्छा आपका आंसर आएगा, एक्यूरेट आएगा। ये सब पूछेंगे आपसे, लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो बोलना सर उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे पोटेंशियल मीटर की। करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो करंट बढ़ाने से बच्चों ये जो डिफ्लेक्ट मारता है ना तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट मारने लगता है। तो करंट को रेगुलेट करने के लिए अभी मुझसे बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर रियोस्टेट क्यों इस्तेमाल करा है, तो करंट को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, लिमिट में रखने के लिए, ज्यादा हीरो ना बने करंट यहाँ पे, वो सब करने के लिए रियोस्टेट लगाया गया है। सो दैट एन एब्रप्ट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द वायर और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना भगे। आप लैब में जाओगे ना तब आपको ये बहुत सारी बातें ना एकदम एक एक करके पॉइंट क्लिक करेंगे एंड यू विल बी इन अ कम्फर्ट जोन वाइल डूइंग दिस प्रैक्टिकल। क्योंकि दो प्रैक्टिकल होते हैं, एक कौन सा होगा कंपेयर ईएमएफ वाला होगा और दूसरा कौन सा होगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा।